हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज इंटर और मैट्रिक रिजल्ट के बारे में बातचीत करेंगे, है ना। 2023 इंटर रिजल्ट कब आएगा, मैट्रिक रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो इस प्रकार का है ना, इसमें देखिए BSEB रिजल्ट 2022 है ना, यानी बिहार बोर्ड में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कब आएगा। तो मैं बता दूँ कि 2022 में जो रिजल्ट हुआ था, देखो 2022 में एग्ज़ाम कब से कब चल रखा था, इंटर का 1 से लेकर 16 तक चला था, यानी 1 फरवरी से 16 फरवरी तक चला था, है ना। और उसके बाद जो है मैट्रिक का क्या चला था, 17 से लेकर 25-26 तक चला था, है ना। तो रिजल्ट जो है पिछले बार कब आया था, 16 मार्च को आ गया था इंटर का रिजल्ट, है ना। 16 मार्च को क्या आ गया था, इंटर का रिजल्ट आ गया, जिसमें हमारा भी आ गया था 436 नंबर, है ना। और दसवां का आ गया था 24 तारीख को, है ना, 24 तारीख को आ गया था, है ना, 24-25 तारीख को, है ना, 24 को इस शाम में कर दिया गया था लिंक एक्टिव, है ना। तो सुबह को सब चेक किया था, है ना। और इस बार 2023 का इंटर मैट्रिक रिजल्ट मतलब कब आएगा, है ना, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। पिछले बार से 1 लाख अभ्यर्थी बेसी है ना, 1 लाख विद्यार्थी अधिक है इस बार, है ना। तो इस बार चेक करने में क्या होगा, देखिए इस बार का रिजल्ट जो है, इस बार का रिजल्ट लगभग आ जाएगा आपका 18 तारीख को, 18 मार्च 2023 को, है ना, 18 मार्च को आ जाएगा इस बार रिजल्ट, है ना। किसका, इंटर का ध्यान से सुन लीजिएगा, इंटर और विद्यार्थी, है ना, इंटर का विद्यार्थी 18 मार्च को आपका रिजल्ट हो आ जाएगा, फिक्स कहते हैं इस बार आ जाएगा 18 मार्च को, नहीं तो 16 मार्च को, 17 मार्च को, 18 मार्च को आ सकता है ना, यानी 18 मार्च को तो फिक्स आएगा ही, 18 मार्च के अंदर ही आ जाएगा, है ना। और दसवां का बात करें तो लगभग यानी 26 मार्च, यानी सब 26 मार्च को फिक्स रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो इसलिए दोनों विद्यार्थी के मतलब इंटर का 18 मार्च और मैट्रिक का कितना आ जाएगा, 26 मार्च, 26 मार्च को इधर ही आ सकता है ना, लेकिन 26 मार्च को बास नहीं आ सकता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि 18 मार्च को आपका इंटर का रिजल्ट आएगा, 26 मार्च को मैट्रिक का। तो आपका टाइम नहीं लॉस करेंगे, है ना, हो गया बात, चलते हैं, बाय बाय।